हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास संस्कृत दशम पाठ, नीति नीति नवनीतनम, नीति नवनीतनम नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यहाँ पर माता पिता तथा गुरुजनों के आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है इन श्लोकों में। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना चाहिए। अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए जिनसे हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना चाहिए, तथा जिन कार्यों को करने से हमें दुख प्राप्त हो ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। सम्यक विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना चाहिए आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया इस नवनीतनम श्लोकों में। इन शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्य व्रदो व्रदोपसेवने सेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्य व्रदोपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते वायु विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वालों का और जो नित्य रोजाना वृद्धों बड़ों की सेवा करते हैं, प्रणाम करने वालों का और जो रोजाना वृद्धों बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनके उनकी वायु विद्या यशो यश और बलम, ये चारों चीजें निरंतर बढ़ती रहती। जो रोज प्रणाम करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी वायु विद्या यश और बल, ये चारों में हमेशा ये निरंतर चारों चीजें निरंतर बढ़ती रहती है। ये माता पित्रो कलेसे सहते संभवे नरणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष सतेरपि। ये माता पित्रो कलेस सहते संभवे नरणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष सतेरपि। ये जो जो मनुष्य मनुष्य जो माता पिता होते हैं, माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति, माता पिता जो मनुष्य की उत्पत्ति में जो क्लेश जो कष्ट सहते हैं, मनुष्य जब माता पिता अपने संतान की उत्पत्ति में जो कष्ट सहते हैं तथा उनके पालन पोषण में जो कष्ट सहते हैं, उस उन कष्टों को माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं उसको हम 100 वर्षों तक भी उस कष्ट का ऋण नहीं उतार सकते। अर्थात माता पिता हमारे पालन पोषण, हमारी उत्पत्ति पालन पोषण इत्यादि का जो कष्ट सहन करते हैं उनसे 100 वर्षों में भी स्वयं को ऋणमुक्त नहीं कर सकते। अर्थात हम उनको 100 वर्षों में भी उस ऋण को ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तयो नित्य प्रिय कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेसेव त्रिसु तुष्टेसु तप सर्व संपादेते। तयोर नित्य प्रिय कुर्यात् आचार्यस्य च स्वर्दा। तयो दोनों माता पिता, उन दोनों माता पिता और आचार्य, आचार्य माता पिता और आचार्य का प्रतिदिन और सदैव प्रिय करना चाहिए। अर्थात हमें माता पिता और आचार्य की सदैव सेवा करना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तीनों को संतुष्ट, अगर हम माता पिता और गुरु को संतुष्ट रखेंगे, संतुष्ट होने पर सभी तप संपन्न हो जाते। अर्थात हमें जो भी तप करेंगे वो अगर हमारे माता पिता हमसे पूछे, गुरु हमसे पूछे, तो हमारे सारे तप सफल हो जाते, संपन्न हो जाते। सर्व परवंश दुख
सर्व मात वंश सुखम, सर्व पर वंश दुखम, सर्व मात वंश सुखम, एत दियो समाजेन लक्षण सुख दिखियो। इस श्लोक के माध्यम से हमें सुख दुख के बारे में परिचय कराया गया कि सर्व परवंश दुख कि अगर हम परतंत्र, अगर हम किसी के परतंत्र हैं, अगर हम किसी की बंदिश में होने से सभी जगह केवल दुखी प्राप्त होता है। अगर हम किसी के बंदिश में हैं तो हमें दुखी प्राप्त होगा, और अगर हम स्वयं के वंश में होने पर अर्थात स्वाधीन होने पर सभी जगह सुख होता है, सुख की प्राप्ति होती है। यही सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए, अर्थात हमें सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। हमेशा हमें स्वतंत्र रहना चाहिए और अपने ऊपर उनको विश्वास बनाए रखना चाहिए, किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। यही सुख दुख का कारण है। अगर हम स्वतंत्र है तो कुश है और किसी के अधीन है तो दुख है। यत कर्म कुरतो अस्य सयात परितोष अंतर आत्मन तत् प्रियतेन कुरीत विपरीत तु वर्जियत। यत कर्म कुरतो अस्य सयात परितोष अंतर आत्मन तत् प्रियतेन कुरीत विपरीत तु वर्जियत। जिस काम को करते हुए अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है, अर्थात जो कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा, हमारा मन संतुष्ट होता है तत् प्रियतेन कुर्वित विपरीत तु वर्जियत, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अर्थात जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो उसी कार्य को हमें करना चाहिए। इसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए, अर्थात इसके विपरीत जो कार्य है उसको त्याग देना चाहिए। जिस कार्य को करने से संतुष्टि नहीं मिलती है उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो वो हमें वही कार्य करना चाहिए, और जिससे करने से हमें दुख पहुँचता हो वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। दृष्टिपूत न्यसत्पाद वस्त्रपूत जल पीबत, सत्य पूता वदे दाश्च मन पूत समाचरेत। दृष्टि पूत नयत पाद वस्त्र पूत जल पिबत, अर्थात दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए। अर्थात हम जो भी कदम रखें उनको देखकर रखना चाहिए, दृष्टि पूत कदमों को रखना चाहिए। कपड़े वस्त्र पूत जल पिबत, और वस्त्र कपड़े से छानकर अर्थात पानी को छानकर पीना चाहिए। सत्य पूता वदे से मन पूत समारे चेत, सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए, पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। अर्थात हमें जो भी काम करना है उसको सोच समझ के देख के परख के करना चाहिए, उसी प्रकार छानकर जल पीना चाहिए। अर्थात सभी जानकारी हमें होना चाहिए, जो भी काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी रखना चाहिए। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वालों के वर्धो उपसेवन, वृद्ध प्लस उपसेवन बड़ों की सेवा करने वालों के क्लेशम कष्ट निष्कृति निस्तार कुर्वत करते हुए परितोष संतोष अंतरात्मन अंतरात्मा की हद्दे की कुर्वित करना चाहिए, नेसत रखना चाहिए। पूतम पवित्र नरनाम मनुष्य का वर्ष सत 100 वर्षों में समापत्ते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में विदात जानना चाहिए। सत्य पूताम सत्य से पवित्र सच को, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अधोलिखितानी प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। नरणा संभवे को क्लेश सहते, मनुष्य की उत्पत्ति में कौन कष्ट सहन करते हैं, तो माता पित्रो, माता और पिता मनुष्य की उत्पत्ति में कष्ट सहते। कीदृश्य जल पिबत,
की दृश्य जल पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। वस्त्र पूतम, कपड़े से पवित्र किया हुआ छना हुआ जल पीना चाहिए। वस्त्र पूतम। नीति नवनीतनम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित, नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित, नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मनु स्मृते, मनु स्मृति से लिया गया है। की दृशी वाच वदेत, की दृशी वाच वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। सत्य पूतम, सत्य से पवित्र वाणी हमें बोलनी चाहिए। उदाहरणम के निनादे रम्यम, उदाहरणम के निनादे रम्यम। दुख की भौती, दुख की भौती, दुख क्या होता है। परवंशम पराधीनता, पराधीनता ही दुख होता है। आत्मवंश की भौती, आत्मवंश की भौती। स्वाधीनता, स्वाधीनता क्या है। सर्व सुखम, सभी सुखी स्वाधीनता है। की दृश्य कर्म समारेत, की दृश्य कर्म समारेत, कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए। मन स्पूतम, मन से पवित्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखित, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। पाठे अस्मिन् सुख दुखियो की लक्षणम उक्तम, पाठे अस्मिन् सुख दुखियो की लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण है। पाठा अनुसारम पर वंश सर्व दुखम, आत्मवंश च सर्व सुखम। पाठा अनुसारम पर वंश सर्व दुखम, आत्मवंश च सर्व सुखम, इसी इति सुख दुखियो च लक्षणम। पाठ के अनुसार प्राधीनता में सारे दुख हैं और स्वाधीनता में सारे सुख है, यही सुख दुख का लक्षण है। वर्ष सते अपि कश्य निष्कृति कर्तु न शक्या, वर्ष सते अपि कश्य निष्कृति कर्तु न शक्या, सौ वर्षों में भी किसका निस्तारण नहीं किया जा सकता। नरना संभवे माता पित्रो ये क्लेश सहते, तस्य निष्कृति सत वर्षे अपि न अपि कर्तु न शक्या, नरना संभवे माता पित्रो ये क्लेश सहते, तस्य निष्कृति वर्ष सते अपि तु कर्तु न शक्या। मनुष्य की उत्पत्ति में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका निस्तारण सौ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तप संपायते वाक्य अस्मिन् त्रैके संति, तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। इस वाक्य में तीनों कौन है। वाक्य त्रय माता पिता आचार्य च संति, वाक्य त्रय माता पिता आचार्य च संति, वाक्य में तीन माता पिता और आचार्य हैं। अस्माभिः कीदृश्य कर्म कर्तव्यम्, अस्माभिः कीदृश्य कर्म कर्तव्यम्, हमारे द्वारा कैसा कर्म करना चाहिए। यत कर्म कुर्वतो अंतर आत्मान परितोषा सयात, तत कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्। यत कर्म कुर्वतो अंतर आत्मन परितोषा सयात, तत कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्। जिस कर्म को करने से अंतरात्मा को प्रसन्नता होती है वही कर्म हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के क्या बढ़ते, अभिवादनशील से क्या बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य वायु विद्या यश बल च चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादनशीलस्य वायु विद्या यश बल च चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादनशील के वायु विद्या कीर्ति और बल चारों बढ़ते हैं। सर्वदा कैसा प्रिय कुर्यात्, सर्वदा कैसा प्रिय कुर्यात्, हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए।
सर्वदा माता पिता आचार्यस्य प्रिय कुर्यात्। सर्वदा माता पिता आचार्यस्य प्रिय कुर्यात्। हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्थूल पदान्य अवलंबस्य प्रश्न निर्माण करो। मोटी शब्द का अवलंबन लेकर प्रश्न का निर्माण करिए। वृद्धोपशेवनी वायुर्विद्या यशो बल न वर्धन्ते। कस्य आयुर्विद्या यशो बल न वर्धन्ते। मनुष्य सत्य पूता वाच वदेत। मनुष्य सत्य पूता वाच वदेत। मनुष्य कस्य वाच वदेत। त्रिषु तुतेषु सर्व तप संपादयत। त्रिषु तुष्टेषु की संपादयत। माता पित्रो नरणा संभवे भाष्या क्लेश सहते। को नरणा संभवे भाष्या क्लेश सहते। तयो नित्य प्रिय कुर्यात। कयो नित्य प्रिय कुर्यात। क्वेश्चन नंबर फोर, संस्कृत भाषाया वाक्य प्रयोग करो। संस्कृत भाषा में वाक्यों का प्रयोग करो। विद्या विनय ददाति। तप प्राणायाम पर तप अस्ति। प्राणायाम पर तप अस्ति। समारेचेत मन पूत समारेचेत। परितोष एव परम धनम वर्तते। नित्य वृद्ध जनाना सेवा कुर्यात। क्वेश्चन नंबर फाइव, शुद्ध वाक्याना समक्ष आम अशुद्ध वाक्याना समक्ष नेव इति लिखित। शुद्ध के सामने हाँ और अशुद्ध के सामने नेव लिखो। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते नेव। माता पित्रो नरणा संभवे कष्ट सहते आम। आत्मवंश तु सर्वमेव दुःखमस्ति। आत्ममेव सर्वमेव दुःख अस्ति नेव। येन पित्रो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वतप संपादित। आम मनुष्य सदैव मन पूत समा चरेत। मनुष्य सदैव मन पूत समा चेत। आम मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येनात्मा तुष्यते। आम समुचित पदेन रिक्तिस्थानानि पूर्यत। समुचित शब्दों से रिक्तिस्थानों की पूर्ति करो। माता पित्रे तपस्य निष्कृति क्रतुम शक्या। माता पित्रा तपस्य निष्कृति सप्त सतेरपि कर्तुम शक्या। नित्य व्रदो सेवने चत्वारी वर्धन्ते। त्रिषु षष्टिषु तप सर्व संपादित। एतत् विद्यात् समासेन लक्षण सुख दुखियो। दृष्टिपूतम नयेत पादम। मनुष्य माता पित्रो आचार्यस्य सर्वदा प्रिय कुर्यात्। मंजुषात चित्वा उचित व्ययेन वाक्य पूर्ति कुर्यात्। मंजुषा से चुनकर उचित अव्यय रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तावत अपि एव यथा नित्य यादृश्यम् तयो प्रिय कुर्यात्। तयो नित्य प्रिय कुर्यात्। यादृश्य कर्म करिष्यसि तादृश्य फल प्राप्तिष्यसि। वर्ष शते अपि निष्कृति न क्रतु शक्या। तेषु
तेषु एव त्रिषु सुष्टिषु तप संपादेते यथा राजा तथा प्रजा यावत फल यावत सफल न भवति तावत परिश्रम कुरु। तो इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6 और 7, ये चारों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।